ये ड्यूटी कर टॉर्चर किया जाता है, आप स्ट्राइक में मत जाओ। ये कौन सा डेमोक्रेसी कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है जो बच्चा अपना बंदा अपने बच्चों के लिए इंसाफ नहीं मांग सकता। बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और माता पिता के लिए दवाइयों के पैसे नहीं है, हम कहां से लाएंगे। इस टाइप में है जी रोटी जो हमारे पास खाने के लिए नहीं है सर, और कोई पैसा हमारी जेब में नहीं है। 60 महीने की पे जो है पेंडिंग है, 60 महीनों की, 60 मंथ्स की वो पेंडिंग है, और जो हमारे बंदे हैं वो बिना पे के काम करते हैं। कितनी देर से आपकी तनख्वाह नहीं आई? हाँ जी हमारी पे पिछले महीने में मिली थी, कोई 6 साल की रहती है। अच्छा 6 साल की रहती है। हाँ जी 6 साल की रहती है सर। कोई नहीं है, और कुछ यहाँ पे वो मर भी गए हैं काम करते करते, लेकिन उनके लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई डेली वेजेस की जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बट उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है। लाइफ सिक्योर नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। वो 15-20 साल से 25 साल हो गए हैं काम करते करते, लेकिन अभी भी 5-6 साल की जो पेंडिंग वेजेस पड़ी है। आप देख सकते हैं जो डेली वेजर्स हैं ये यहाँ पे इस प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट है, ये इनकी सिंपल स्ट्रेट मांगे यही है कि इनकी जो पेंडिंग सैलरीज हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको रेगुलराइज किया जाए। नमस्कार, मैं नितिश भारद्वाज, अली टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम पीएचई ऑफिस में हैं जहाँ पर कि डेली वेजर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी सीधी सीधी मांगे यही हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। सुनील कुमार है, मैं पिछले 13 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। नहीं, प्रोटेस्ट करने का मेन मोटिव क्या आपका? सर जो मेन मोटिव है प्रोटेस्ट का वो है कि हमें रेगुलर जो है सैलरी दी जाए, हर मंथ हमें वेतन दिया जाए। हमारे जो यहाँ पे पीएचई के डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर हो गए हैं, वो घर बैठे हैं अब आ रहे हैं, लेकिन काम पे उनको कोई आश्वासन नहीं है कि उनका क्या किया जाए। इस डिपार्टमेंट जो सिविल यहाँ पे 60 ईयर एज होती है सिविल डिपार्टमेंट में, उसके बाद बंदा रिटायर हो जाता है, लेकिन हमारे जो पीएचई के अंदर 60 साल से ऊपर लोग हो गए हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई उनके लिए पैसा नहीं है, उनके बच्चों के लिए भी कोई नहीं है, और कुछ यहाँ पे वो मर भी गए हैं काम करते करते, लेकिन उनके लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई। आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक स्कीम्स दी जाती है कि अगर कोई डेथ हो जाए तो उनके घर का किसी बंदे को लगा दिया जाता है, नई नौकरी मिल जाती है, वो आप ये कहना चाहते हैं? वो आपकी मांगे है और साथ में रेगुलराइज कर दिया जाए, आपकी मांगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20-25 साल एक एम्प्लॉय से काम लिया है, वो रेगुलर नहीं हुआ, वो उसके बाद उसकी एज जब 60 हो गई तो वो रेगुलर ही नहीं लिया हुआ, तो उनको पैसा, उनको नौकरी कैसे देंगे ये? इनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। और इन्होंने ये SRO 64 में एक मरने के बाद किसी को उनके बच्चों को जहाँ नौकरी लगती है वो भी नहीं है इसमें। मतलब डेली वेजेस की जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बट उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है। लाइफ सिक्योर नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। वो 15-20 साल से 25 साल हो गए हैं काम करते करते, लेकिन अभी भी 5-6 साल की जो पेंडिंग वेजेस पड़ी है, मगर 60 ईयर से ऊपर हो गए हैं अभी तक, तो उनकी वो पेंडिंग वेजेस पड़ी है, और उनको अभी तक साल में सिर्फ 3 बार पे दी जाती है, वो भी कोई त्यौहार। इस बार जब से ये गवर्नर रूल लगा है और ये त्यौहार हैं वो भी फीके पड़ गए हैं, ईद दिवाली, उसके पहले जो होली थी, जब पिछले साल के जो भी त्यौहार थे, साल में बिल्कुल 2 या 3 तनख्वाहें मिली हैं सैलरीज, और रेगुलर पे तक नहीं उन्होंने। आपकी पे अब कब से नहीं आई है? हमारी पे पिछले महीने मिली है, लेकिन अभी भी मेरी जो हमारे भाइयों की 60 महीने की पे जो है पेंडिंग है, 60 महीनों की, 60 मंथ्स की वो पेंडिंग है, और जो हमारे बंदे हैं वो बिना पे के काम करते हैं, और उनको प्रताड़ित भी किया जाता है कि आप ड्यूटी पे क्यों नहीं यार, हम अपना पीसफुली यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे बंदों को अभी जब स्टेशन पे जाएंगे वहाँ भी इनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं आए ड्यूटी पे, आप हालांकि ये ड्यूटी करके टॉर्चर किया जाता है, आप स्ट्राइक में मत जाओ।
ये कौन सा डेमोक्रेसी कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है जो अपना बंदा अपने बच्चों के लिए इंसाफ नहीं मांग सकता। बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और माता पिता के लिए दवाइयों के पैसे नहीं है, हम कहां से लाएंगे। एक नौकरी का झांसा दिया था सरकार ने जो लगाए थे, इनको तो रेगुलराइज लोग करना चाहिए ना, इनको मंथली जो है पे देनी चाहिए, चाहे 15,000 हो 10,000 हो। लेकिन हर दिल्ली में जहां और भी स्टेट में जहां पे अब तो यूटी बन गई ना, यूटी में कम से कम भी जो मिनिमम वेजेस पे एक्ट जो है लागू होना चाहिए उसके तहत 18,000 या 20,000 तनख्वाह मंत्रियों को मंथली देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है, खिलवाड़ किया है लोगों के साथ। लोग बूढ़े हो गए, कुछ तो मर भी गए, उनकी और उनके बच्चों की, उनकी छोड़ो उनके बच्चों की लाइफ जो है वो सिक्योर नहीं है। इस टाइप में है जी रोटी जो हमारे पास खाने के लिए नहीं है सर, और कोई पैसा हमारी जेब में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि कुछ देगी हमको कुछ तो हम खाएंगे और पियेंगे। कितनी देर से आपकी तनख्वाह नहीं आई? हाँ जी, हमारी पे पिछले महीने में मिली थी, कोई 6 साल की रहती है। अच्छा, 6 साल की? हाँ जी, 6 साल की रहती है सर। हाँ जी, हाँ जी, पिछले महीने सिर्फ एक महीने की मिली है जी, और 6 साल की रहती है। हाँ जी, 6 साल की रहती है। तो क्या कहेंगे? 2003 में मेरा ऑर्डर हुआ था, तब से बहुत जबरदस्त मिलिटेंसी थी, तो हमें काम करते थे, गरीब थे हम, मुझे दाढ़ी नहीं अभी आई थी, उसके बाद मुझे दाढ़ी आई, मैंने शादी की, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं उसी रेट पे चल रहा हूँ। अब साल में कभी दिवाली होती है, पहले 500 देते थे, फिर 1,000 दे हो गए, फिर 1,500 हो गए, बस ऐसे चल रहा है। किसी वक्त वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं साल बाद, कभी ईद आती है कभी दिवाली आती है तो तभी देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। मुश्किल से हमें अपना, मेरे बच्चे 2-3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी वो फीस नहीं पूरी हुई मुझसे, तो वो पीछे ही रह गए, पढ़ना छोड़ गए वो। कब से यहाँ पे बैठे हैं, चीफ इंजीनियर का वेट कर रहे हैं, पर चीफ इंजीनियर अभी तक बाहर नहीं आए हैं इनसे बात करने के लिए। ये कह रहे थे कि हम इनके बच्चों की तरह, चीफ इंजीनियर की उसको उन्हें हमसे बाहर आके बात करनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में ये PHE वर्कर्स जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं।